नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिजीत आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, नाभिपूरण एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें नाभि में तेल लगाया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नाभि में तेल लगाने से आपकी सेहत को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, नाभि में तेल लगाने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं और किन व्यक्तियों ने इसे लगाना चाहिए और किन किन व्यक्तियों ने इसे नहीं लगाना चाहिए। जो दोस्त मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो ताकि नेक्स्ट टाइम आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलो दोस्तों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदू शास्त्र के अनुसार नाभि यह जीवन ऊर्जा का केंद्र है। नाभि से 72,000 नस नाड़ियां जुड़ी रहती है। जैसे विशाल पेड़ की जान उसके जड़ में होती है, जैसे जड़ को पानी देने से पूरे पेड़ को न्यूट्रिशन मिलता है, वैसे हमारी जान नाभि में है। जब हम माँ के पेट में थे तब हमें न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन यह नाभि से ही मिलता था। वहाँ से ही हमारी ग्रोथ होती थी, डेवलपमेंट होती थी। तो नाभि यह हमारे जीवन का ऊर्जा केंद्र है। तो चलो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि नाभि में तेल लगाने से क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा है कि यह हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है। नाभि यह प्राण शक्ति को बैलेंस करती है और प्राण शक्ति ही नेचुरल हीलिंग का काम करती है। नाभि में तेल लगाने से हमारी प्राण शक्ति मजबूत होती है, इससे हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है और हम बार बार सर्दी, बीमार पड़ने से बच सकते हैं। दूसरा फायदा है, यह हमारे त्वचा के लिए है। नाभि में तेल लगाने से स्किन की ड्राइनेस, रुखापन पूरी तरह से ठीक हो जाता है और रिंकल की समस्या भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तीसरा फायदा है, दर्दों को दूर करने के लिए। शरीर में किस प्रकार का भी दर्द हो, जैसे आर्थराइटिस का दर्द हो, पेट का दर्द हो या फिर मेंसेस का दर्द हो, सभी दर्दों के लिए यह बहुत फायदेमंद है। चौथा फायदा है, यह हमारी पाचन शक्ति को मजबूत करता है। नाभि में तेल लगाने से हमारी पाचन शक्ति मजबूत होती है। जिसे बार बार गैस की समस्या है, जिसे पेट की समस्या है, खाना हजम नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, गैस बहुत बनता है, अपचन होता है, उनके लिए नाभि में तेल लगाने से बहुत फायदा होता है। नाभि में तेल लगाने से हमारे नर्वस सिस्टम को शांति मिलती है, यह हमारे तनाव को कम करता है। नाभि में तेल लगाने से हमारी नींद की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। छठा फायदा है, हार्मोनल इम्बैलेंस। जिन्हें PCOD की समस्या है, इरेगुलर मेंसेस की समस्या है, उनके लिए यह नाभि में तेल लगाना बहुत उपयोगी है। नाभि में तेल लगाने से हमारे शरीर के पाँव से लेकर सर तक हमें न्यूट्रिशन मिलता है। तो इसे लगाना कैसे है? तो हल्का सा गर्म तेल लीजिए और इसे नाभि में डाल दीजिए और इसे सेंटर टू पेरीफेरी फेराना है, यानी नाभि से बाहर की ओर इसे क्लॉकवाइज फिराना है और इसे 15 से 20 मिनट तक ही रहने देना है। आप इसे दिन में एक बार कर सकते हैं, या सुबह करिए या रात को करिए। और किन लोगों ने इसे नहीं करना चाहिए? जिन्हें पेट की समस्या है, जैसे अपेंडिक्स की समस्या है, अल्सर की समस्या है, हर्निया की समस्या है या बार बार पेट दर्द होता है, इन्हें इसे नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को क्रॉनिक समस्या है, क्रॉनिक प्रॉब्लम है, उन लोगों ने इसे रोज सुबह या फिर रात को इसका उपयोग करना चाहिए। अब प्रश्न है कि कौन सा तेल यूज़ करना चाहिए। तो सबसे बढ़िया तीन तेल मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है सरसों का तेल, दूसरा नारियल का और तीसरा अलमंड यानी बादाम का तेल। यह तेल आसानी से उपलब्ध है। बादाम का तेल का उपयोग आप स्किन की समस्या के लिए, त्वचा की समस्या के लिए यूज़ कर सकते हैं और बाकी समस्याओं के लिए आप सरसों का तेल और नारियल का तेल यूज़ करिए। तो चलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।